दोस्तों नमस्कार। पुलिस, जब ये नाम जुबां पर आता है, जब ये शब्द जुबां पर आता है, तो एक कृति सामने आती है कि खाकी वर्दी के अंदर कानून की रक्षा करने वाला एक व्यक्तित्व, एक ऐसा चरित्र जिसे कि स्पेशल बनाया गया है कानून की रक्षा के लिए, कानून के पालन के लिए। और जब भी कोई व्यक्ति समाज के अंदर किसी भी प्रकार की अगर समस्या सामने आती है, तो फिर उसमें पुलिस को याद किया जाता है। लेकिन पुलिस ही एक ऐसा शब्द है कि जिस पर तमाम प्रकार के आरोप भी लगते हैं। जब भी समाज के अंदर अगर कुछ घटना घट जाए और उस पर उसके अपराधी, उसके आरोपी कहीं काबू ना पाए, तो फिर पुलिस पर तमाम प्रकार के लांछन दुलांछन लगते हैं। लेकिन जब काम ठीक हो जाता है, तो उस पुलिस को भूरी भूरी प्रशंसा करने वाले, तारीफ देने वाले चेहरे, व्यक्तित्व और हाथ कम उठते हैं। लेकिन कई बार ऐसे घटनाएं होती हैं कि जिनको देखने सुनने के बाद मन करता है कि जिंदाबाद पुलिस तो कह दिया जाए, जिंदाबाद पुलिस तो कह दिया जाए। क्योंकि यदि हमें ये अधिकार है कि हम किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का जब क्रियाकलाप में कहीं कमी दिख जाए, तो अगर उस पर हम उंगली उठाएं, तो फिर जब वहां पर बेहतर काम हो तो तारीफ के दो बोल भी जरूर बोलें। हालांकि इससे कुछ होता नहीं है, और इसको कुछ लोग ये भी मान सकते हैं कि जैसे किसी का महिमा मंडन करना या किसी को, लेकिन एप्रिशिएट किया जाना बहुत जरूरी है। आपसे सारी बात का जिक्र आज इसलिए कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर आज दोपहर को ही मैं एक वीडियो देख रहा था, और उस वीडियो के अंदर था कि पलवल की स्लम बस्ती का वो एक वीडियो था, जिसके अंदर कि एक उद्दंड युवक, उद्दंड कहूंगा मैं उसको, दबंग कहूंगा, उद्दंड और दबंग प्रवृत्ति का युवक, जिनके अंदर की महिला सम्मान की कोई सोच नहीं होती जिन लोगों के मन में, इस प्रकार का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक दबंग और उद्दंड युवक, दो किशोरियां थी जो बाजार में किसी काम से गई होंगी, जाने क्या हुआ होगा, घटना कैसी होगी कि वो उन किशोरियों पर हमला कर देता है, उनकी पिटाई करने लग जाता है। और पिटाई करते हुए जब उसको लोग रोकते हैं, वहां के जो आसपास के लोग जब बीच बचाव करने जाते हैं, तो उनसे भी झगड़ा करता है। यानी कि दबंगई और उद्दंडई की एक प्रकार से कहें तो पराकाष्ठा, जिसको ना समाज का डर, ना कानून और प्रशासन का खौफ। और ऐसा व्यक्ति जब हरकत करता है इस प्रकार की, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है वो पोस्ट। संभवतः पहुंची होगी पलवल के नवनियुक्त, जो अभी अभी हाल ही में आए हैं, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, उनके पास भी जरूर वो वीडियो गई होगी। और वो वीडियो देखते ही पलवल के पुलिस अधीक्षक ने तुरंत निर्देश कर दिए कि इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। और कुछ ही देर में वो आरोपी, उसकी तफ्तीश की गई, पहचान की गई, उसका पहचान किया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो अब कैंप थाना पलवल की पुलिस की हिरासत में है। इसलिए मैंने कहा कि जब कोई ऐसी बातें होती है, तो फिर अप्रिशिएट करना भी सोसाइटी की ड्यूटी है, समाज का। जिस प्रकार हम किसी पर उंगली उठा सकते हैं, तो फिर उसको अप्रिशिएट करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जब कोई बेहतर कार्य हो। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के वीडियोज वायरल होते हैं, तमाम प्रकार के फोटो वायरल होते हैं, कहीं पर संज्ञान लिया जाता है, कहीं पर संज्ञान नहीं लिया जाता। उस वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया गया, उन किशोरियों को ढूंढा गया, उनके से शिकायत लिखवाई गई, FIR दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में अगली कार्रवाई होगी। आप सुनिए पलवल के DSP क्या बता रहे हैं इस घटना को लेकर। थाना कैंप में दो युवतियां सब्जी लेने के लिए जा रहे थे, जिनके पीछे से एक बाइक पे दो युवक सवार थे, जिन्होंने उनको टक्कर मारी और उनके साथ मारपीट की और बदतमीजी दी। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर माननीय पुलिस अधीक्षक पलवल श्री चंद्रमोहन जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी कैंप को आदेश किए कि इसकी तुरंत FIR दर्ज की है और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी दसों को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बारे में पुलिस द्वारा लगातार रेड की जा रही है। तो पलवल के DSP कह रहे हैं कि इस मामले में पलवल के पुलिस अधीक्षक को पता चला था, आपने सुना, पुलिस अधीक्षक ने कैंप के थाना प्रभारी को निर्देश दिया और एक्शन हो गया। और इसलिए मैंने कहा कि जब ऐसा हो, तो फिर जिंदाबाद पुलिस कहना चाहिए। जब हम
मैं जब बात आपसे पहले कह रहा हूँ फिर वही बात दोहराऊंगा कि अगर हम किसी पर उंगली उठा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, तो बेहतर कार्य के लिए अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। और अप्रिशिएट करके तो देखो, जब आप किसी की सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं अच्छे कार्य के लिए, तो फिर आप मान लें कि उसका हौसला अफजाई होती है, उसका उत्साह वर्धन होता है, फिर वो डबल जोश और डबल उत्साह के साथ काम करता है। और ये जरूरी है कि जो हमारी पुलिसिंग है, जो हमारी आर्मी है, जो हमारी रक्षा करने वाले जो भी लोग हैं, अगर वो उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे तो उसके बाद में वो और भी अच्छा बेहतर कार्य करेंगे। और हम तो अपने देश रोजाना परिवार की तरफ से पलवल पुलिस को इस कार्य के लिए बधाई देंगे कि एक वीडियो वायरल होते ही उन्होंने जो अच्छा कदम लिया, जिस पर तुरंत संज्ञान लिया गया, मामला दर्ज किया गया, आरोपी की गिरफ्तारी हुई, इस प्रकार की बातें समाज को संदेश देती हैं और इससे अपराधियों के मन में खौफ जाता है कि अगर कुछ ऐसा किया तो फिर कानून की नजर से बच नहीं पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं, जिस प्रकार जो वीडियो वायरल हुआ, ऐसी घटनाएं होती तो बहुत हैं, लेकिन अगर इन पर तुरंत संज्ञान ले लिया जाए तो फिर इन पर रोक लग सकती है, इनमें कमी भी आ सकती है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।